अमेरिका का टेक्सास शहर एक बार फिर अंधाधुंध गोलाबारी से दहल गया है। जी हाँ, यहाँ पर यूवाल्डे शहर में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में एक 18 साल के लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 18 छात्रों समेत 3 टीचर्स की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में कुल 21 लोगों की जान चली गई है। वहीं घायलों की बात की जाए तो इस लिस्ट में 13 बच्चे, स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और कुछ पुलिस वाले भी हैं। ये घटना इतनी भयानक और दर्दनाक थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले के बाद अमेरिका में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया। इसके अलावा मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए व्हाइट हाउस से देश का झंडा भी झुका दिया गया है, जो 28 मई तक नीचे झुका रहेगा। हालांकि इस भीषण गोलीबारी में एक हैरान करने वाली घटना भी हुई, जिसको लेकर टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने बताया कि स्कूल में फायरिंग को अंजाम देने से पहले आरोपी ने अपनी दादी को भी गोली मार दी, जो फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। टेक्सास के गवर्नर का कहना है कि जिस स्कूल में ये हमला हुआ वहाँ 600 छात्र पढ़ते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने छोटे छोटे मासूमों यानी दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को निशाना बनाया। आरोपी शूटर ने हमला करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त ये घटना हुई, जिस दौरान आरोपी अचानक स्कूल कैंपस में आ धमका और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। वहीं पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली वैसे ही तुरंत फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दर्दनाक घटना को लेकर कहा है कि ये एक्शन लेने का वक्त है, हमें उन लोगों को बताने की जरूरत है जो गन लॉ में देरी करते हैं या बाधा डालते हैं। बाइडेन ने कहा कि एक देश के तौर पर हमें पूछना होगा कि भगवान के नाम पर कब हम गन लॉबी के सामने खड़े होंगे और वो करेंगे जो करने की जरूरत है। माता पिता अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख पाएंगे, ये आत्मा को चीर देने जैसा है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका में 2012 में सैंडी हुक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग हुई थी। टेक्सास के फायरिंग की घटना बिल्कुल हूबहू इससे मिलती है। अमेरिकी इतिहास में 2012 की फायरिंग को एक काले दिन के रूप में माना जाता है। आपको बता दें कि सैंडी हुक एलिमेंट्री हाई स्कूल में 14 दिसंबर 2012 को 20 वर्षीय युवक ने फायरिंग की थी। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, इनमें 20 बच्चे थे। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे भयावह मास शूटिंग थी। वहीं अमेरिका में बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बंदूक रखने के नियम में बदलाव करने की बात कही है।